Very, very warm welcome, my dear students. Very, very warm welcome on India's largest learning platform, Unacademy. Very, very warm welcome, all of you. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Am I audible to you? Am I audible to you? Please let me know, everyone. Share कर दीजिए थोड़ा लिंक को बच्चों. Everyone share the link. जल्दी जल्दी आ जाओ उसके बाद में. जल्दी जल्दी आ जाओ माय डियर लर्नर्स एवरीवन. थोड़ा सा लिंक को मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ बच्चों. मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? टेल मी. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. दीप करदानी आग लगा देंगे सर. बिल्कुल ऑडिबल है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर लर्नर्स ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि HAL जो एग्ज़ाम है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HAL का, उसमें हमारा नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस आएगा और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रहेगा और आपको स्टैटिक GK का भी क्वेश्चंस रहता है कुछ. स्टैटिक GK में थोड़ा सा हिस्ट्री का, थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी का, थोड़ा सा आपका पॉलिटी का और आपका थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का, साइंस वाइंस का एक दो क्वेश्चंस रहता है. और जैसे आपका बुक एंड ऑथर हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, और जैसे आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हिस्ट्री का थोड़ा सा प्रेसिडेंट कौन थे, तो इस टाइप का थोड़ा सा बेसिक्स क्वेश्चंस वगैरह आपसे वो लोग पूछते हैं. तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन फिर भी हमें उसे करना है. तो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs जो ऑलरेडी PSU में आ चुके हैं जनरल अवेयरनेस के और सिमिलर टाइप के जिन जो एक्सपेक्टेड है जो आ सकते हैं. तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट 1 आवर्स में और सेशंस को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए सो दैट बहुत सारे लड़के हमारे साथ जुड़ जाएं और जल्दी जल्दी बहुत सारे PYQs हम इम्पॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पॉर्टेंट पासेज, इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, इम्पॉर्टेंट डांसेज, सब चीज़ देखने हम लोग वाले हैं. तो अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. क्रैक गेट एन EAC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. दिस इज अबाउट मी माई डियर स्टूडेंट्स. मैंने अपना BTEC NIFFT रांची से मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में किया है एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन IIT कानपुर फॉर MTEC इन मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग. अक्रॉस इंडिया आई हैव मेंटर्ड अराउंड 30K स्टूडेंट्स फॉर गेट एंड EAC. तो माई डियर लर्नर्स, जो भी बच्चे HAL और HPCL एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं वो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले. डिस्क्रिप्शंस में लिंक अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शंस के लिंक के थ्रू वो लर्निंग ऐप को में डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर ले. जैसे ही बच्चों आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं लर्निंग ऐप पे भी HAL HPCL के लिए मॉर्निंग में सेशंस लेता हूँ और अभी इवनिंग में 8:30 8:30 से मैं आपका फुल टेस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल टेस्ट HAL HPCL के लिए टेक्निकल का लूंगा अनअकैडमी स्पेशल क्लास में. तो मुझे फॉलो कर ले और वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों आप. अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स पे बच्चों दो तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान. प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान पे डेली लाइव क्लासेज हैं, लाइव टेस्ट अवेलेबल है, क्विजेज अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है. आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशंस में इंगेज रह सकते हैं, उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, पोल्स के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं. तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है. ओके, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस वी आर प्रोवाइडिंग अ पर्सनल कोच. इन पर्सनल कोच आपको क्या करता है बच्चों? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है, वर्कशॉप बूस्टर्स प्रोवाइड करता है, आपके स्टडी को ट्रैक करता है, वीकली आपके मार्क्स को रिव्यू करता है. तो लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स है पर्सनल कोच के. तो एवरीवन अनअकैडमी पे आइकॉनिक और पर्सनल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स और डिटेल्ड कोर्स. बक्स बाउंटी. बक्स बाउंटी क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट. आपको कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट अगर बच्चों दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और क्लेम करके प्राइजेस जीत सकते हैं. अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का लार्जेस्ट वीकली कॉम्पिटिशन है गेट एग्जाम्स के लिए. ये 60 मिनट का होता है, हर संडे को होता है 11 AM पर. तो संडे को 11 AM पर आयाज 10 कोड AYAZ10 कोड का यूज करके आप AIR1 से AIR100 अगर आपका
उस कॉम्बैट में रैंक आता है 1 से 100 के बीच में, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों 100% to 25%। और उस स्कॉलरशिप को आप यूज करके अनएकेडमी पे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उसको पढ़िए। नेक्स्ट है बच्चों स्पेशल क्लास फीचर्स। अनएकेडमी के बहुत सारे फ्री कोर्सेज अब अनएकेडमी के स्पेशल क्लास पे आ रहे हैं। तो स्पेशल क्लास में क्या क्या फीचर्स आपको मिलती है? इंटरैक्टिव लाइव क्लास, पोल्स फॉर द लर्नर्स, आप पोल्स के फॉर्म में वहां पे आंसर कर सकते हैं। नेवर मिस अ क्लास, मतलब यू विल गेट नोटिफाइड जब भी आप किसी भी एडुकेटर्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल दिया हुआ है, आप फॉलो कर लेंगे तो जब भी मेरा लेक्चर्स आएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आगे। ओके, लेक्चर्स नोट्स आप 30 मिनट्स के बाद PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर लेक्चर्स का, तो ये बेनिफिट्स है। एनी टाइम एनी वेयर, कभी बच्चों मान लीजिए आप रिमोट लोकेशन पे नहीं पढ़ पाए तो आप रिकॉर्डेड वीडियोज भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। तो अनएकेडमी के स्पेशल क्लास को सारे लर्नर्स जल्दी जल्दी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारा नया बैच अगर स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेट एंड आरोहन बैच, ये बैच बच्चों बहुत ही अच्छा बैच है। अयाज 10 कोड यूज करके आप इस बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट कॉम्बो ऑफर, अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, वो 3 मंथ्स का कैंपस प्लेसमेंट सब्सक्रिप्शन लेता है, वो अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उसे 3 मंथ का कैंपस प्लेसमेंट IT जॉब सब्सक्रिप्शन अनएकेडमी देता है। जिस 3 मंथ्स के कैंपस प्लेसमेंट IT जॉब सब्सक्रिप्शन में वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है IT कंपनी, तो गेट प्रिपरेशन के साथ साथ उसकी IT कंपनी के प्लेसमेंट्स की भी तैयारी अनएकेडमी पे ही हो जाएगी। कोड यूज करना है IAZ10 AYAZ10। और बच्चों ये आपका फी स्ट्रक्चर है, नया फीस स्ट्रक्चर है, 3 मंथ का 14,000, 6 मंथ का 26 एंड 12 मंथ का 32, 18 मंथ का 41,000। तो इस फी स्ट्रक्चर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए लर्नर्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम। चलिए कुछ GA जो रिपीटेड क्वेश्चन है, PSU रिपीटेड क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो आ जाइए एवरी वन प्लीज कम, PSU रिपीटेड क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ जाइए और आंसर बताते जाइए माय डियर लर्नर्स, PSU रिपीटेड क्वेश्चंस, तो जल्दी जल्दी आ जाइए। जल्दी जल्दी आ जाइए एवरीवन। PSU रिपीटेड क्वेश्चंस, चलो सारे लड़के जल्दी से बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब लाहौर सेशन हुआ था, तो उस वक्त बच्चों बताइएगा कि कौन थे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में माई डियर लर्नर्स। माई डियर मुकेश राजजी 1 का है, बिल्कुल सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए मुझे, नेक्स्ट बता दीजिए कि इन 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 अमंग द फॉलोइंग या द साबरमती आश्रम, बापू ने, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश कब किया था। साबरमती आश्रम वॉज इस्टेब्लिश इन 1910, 1912, 1915, 1917। जल्दी से कोई एक लड़का मुझे कमेंट बॉक्स में एवरी वन फास्ट शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा बच्चों शेयर कर दीजिए, मैं भी आपको जल्दी जल्दी बता दूं। जल्दी से शेयर कर दीजिए एवरीवन, शेयर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी, कमेंट्स आपका बहुत धीरे धीरे आ रहा है, कमेंट्स आपका बहुत धीरे धीरे आ रहा है बच्चों, कमेंट बॉक्स जल्दी से बताइए। प्रियांश जैन, सारे लड़के जल्दी जल्दी, 1915 बता रहे हैं कुछ लड़के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लड़के, एक मिनट बच्चों आ जाइए माय डियर लर्नर्स, चलो आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन कम फास्ट। चलिए राइट आंसर विल बी 1915, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर।
1915 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रीडम इन एक्साइल, ये किताब किसने लिखी है, फ्रीडम इन एक्साइल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जल्दी से, 1915 रोशन कुमार, बिल्कुल सही है, फ्रीडम इन एक्साइल दैट बुक इज रिटन बाय, जल्दी से बता दीजिएगा, फ्रीडम इन एक्साइल, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जल्दी से कौन सा आंसर इसमें से सही है, एवरी वन फास्ट टेल मी, फ्रीडम इन एक्साइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये कौन, दीप करदानी, मुकेश राज, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आपका बहुत धीरे धीरे आ रहा है, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, दलाई लामा, दलाई लामा इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, दैट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जलिया वाला मैसेकर, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द जलिया वाला बाग मैसेकर, मतलब क्या कारण था, किसके वजह से हुआ था, द आर्म्स एक्ट, द रॉलेट एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वर्नाकुलर प्ले प्रेस एक्ट, तो किस एक्ट की वजह से जलिया वाला बाग मैसेकर हुआ था, जल्दी से आंसर बता दीजिए कोई एक लड़का, एवरीवन जल्दी से कोई एक लड़का आंसर बता दीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीड टू द जलिया वाला बाग मैसेकर, आर्म्स एक्ट, रॉलेट एक्ट, क्वेश्चन आंसर जब बताइएगा तो बताइएगा, फोर का ए बता रहे हैं, फाइव का बी बता रहे हैं, ये लिख दीजिएगा राइट, फाइव फोर, क्योंकि पता नहीं चलता कि आप क्या आंसर बता रहे हैं, तो राइट आंसर इज योर रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, रॉलेट एक्ट ही कारण था, बैसाखी के दिन ये हुआ था, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए कि ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सा है इसमें से, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सा है, जल्दी से कोई एक लड़का, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कमेंट बॉक्स में प्लीज गाइस टेल मी द राइट आंसर, वेरी गुड दीप करदानी, वेरी गुड दीप करदानी, थोड़ा शेयर कर दीजिए बच्चों, 50 प्लस वॉचिंग चाहिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए एवरीवन, शेयर कर दीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, द राइट आंसर इज योर ए, ए इज द राइट आंसर, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, वेरी गुड, मौर्य डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, हु ऑफ दीज वर फेमस शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब किसको कहा जाता था, शेर ए पंजाब किसको कहते हैं बच्चों, हु ऑफ दीज वर फेमस इन द नेम ऑफ शेर ए पंजाब, जल्दी से, राजगुरु को बोलते थे, भगत सिंह को, उद्धम सिंह, लाला लाजपत राय, जल्दी से शेर ए पंजाब किसको बोलते थे, एवरी वन फास्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, विश्वजीत बता रहे हैं सिक्स का डी, विश्वजीत, एक लड़के का आंसर आया विश्वजीत, और कोई लड़का विश्वजीत के बाद, विश्वजीत और एनीवन एनीवन, पूजा पूजा सिक्स का डी, वेरी गुड, पूजा एंड विश्वजीत, अमेजिंग, आर्या आर्या, वेरी गुड, द राइट आंसर इज लाला लाजपत राय, दैट्स वेरी गुड, शेर ए पंजाब, ये सब पीएसयू में आया हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों के आपका क्वेश्चन है, व्हेन मूवमेंट, व्हाट मूवमेंट इज द रिलेशनशिप ऑफ डू एंड डाई, डू एंड डाई किससे रिलेटेड है, करो या मरो, डांडी से राइट, अश्वगुहा से, खलीफत से, और क्विट इंडिया मूवमेंट से, तो डू एंड डाई मूवमेंट इज रिलेटेड विद विच मूवमेंट, सेवन का जल्दी से आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में एवरीवन, सेवन का माय डियर रोशन बालचंद्र, एवरीवन एवरीवन जल्दी से फास्ट, सेवन का राइट आंसर क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ सेवन, व्हाट मूवमेंट इज द रिलेशनशिप ऑफ डू एंड डाई, और शेयर करते जाइए बच्चों, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए सेशन को, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सेवन का उत्कर्ष जी बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही, उत्कर्ष रोशन, वेरी गुड वेरी गुड, एक लड़का डी, बिल्कुल सही, प्रियांश जैन गलत आंसर है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 1942 राइट, डू एंड डाई दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बताइए, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, फेमस जामा मस्जिद दिल्ली का किसने बनाया, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जल्दी से, वेरी एवरीवन, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल इंपीरर्स थे, जल्दी से एवरीवन मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर, एवरीवन टेल मी, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, क्वेश्चन नंबर एट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, बालचंद्र, दीप करदानी, आर्या, जल्दी से क्विट इंडिया, बिल्कुल सही, माइट क्लब, मुकेश राज जी, एट का सी, शाहजहां, एट का सी, एक लड़का बता रहा है, बाकी लोग राइट आंसर, बिल्कुल सही, शाहजहां, शाहजहां इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट बच्चों, गांधी इरविन,
ये बता दीजिए, गांधी इरविन पैक्ट, इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना गांधी इरविन पैक्ट, ये वॉज कॉम्प्रोमाइज इन 1930, 1931, 1933। जल्दी से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आया हुआ एग्जाम में, गांधी इरविन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से कोई एक लड़का, गांधी इरविन वॉज कॉम्प्रोमाइज, सबको याद कर लीजिएगा, सब एग्जाम में आया हुआ है, कोई ना कोई टकरा जाएगा, कोई ना कोई टकरा जाएगा। जल्दी से जब भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए तो बताइए कि ये, बताइए कि क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए 9 या 10, इससे थोड़ा सा आराम हो जाता है। राइट, किसका आप आंसर बता रहे हैं? गांधी इरविन पैक, गांधी इरविन, ए बता रहे हैं? नहीं, ए गलत है, ए गलत है। द राइट आंसर इज 1931, 1931। राइट, यहाँ पे आपको क्या नाम है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। गांधी इरविन आपका 1931 में हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, ये बता दीजिए, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका नाम क्या है? बैटल ऑफ तराए, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। जल्दी से कोई एक लड़का कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान? जल्दी से बच्चों, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान? एवरीवन जल्दी से, कौन सा फाइट हुआ था? बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। एक और, एक लड़का बता रहा है, सब आदमी आंसर बताइए प्लीज एवरीवन। दीज आर द आस्क्ड क्वेश्चन, ये पीएसयू पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज है पीएसयू का, जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ तराई, बिल्कुल सही आंसर है, बैटल ऑफ तराई, राइट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, गदर पार्टी, गदर पार्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बसंत कुमार बिस्वास, सोहन सिंह भकना, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में 11 का आंसर, और शेयर कीजिए बच्चों, 50 लाइव लर्नर्स चाहिए हमें, 50 लाइव लर्नर्स चाहिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए एवरीवन। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? शेयर कर दो एवरीवन, शेयर कर दो जल्दी से। सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी लीड गेट टेलीग्राम चैनल पे, लीड गेट टेलीग्राम चैनल पे अश्विन जी, पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, जल्दी से बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। क्या 11 का, 11 का बी, बिल्कुल सही, सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, डेट इज द राइट आंसर, सोहन सिंह भकना वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, बिल्कुल सही। अच्छा एक लड़का मुझे बता दे, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर का नाम बता दीजिए, बहुत बार पूछता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसके फाउंडर कौन थे? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, इसके फाउंडर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कोई एक लड़का बता दे जल्दी से एवरीवन, कोई एक लड़का बता दे जल्दी से प्लीज। INC के फाउंडर होयूम, होयूम बिल्कुल सही, ए ओ होयूम बिल्कुल सही आंसर है, ए ओ होयूम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट बच्चों आइए, बीबी का मकबरा, ये सब बच्चों थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, चार मीनार कहाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी एक दो रहता है PSU में, राइट। वेयर इज द बीबी का मकबरा लोकेटेड? औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली और लखनऊ। राइट, जल्दी से बीबी का मकबरा कहाँ पर है एवरीवन? जल्दी से शेयर करते जाइए, सब रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आने वाला है और आएगा ही, इसमें से 100% कम से कम भी तो बच्चों 10 से 15% क्वेश्चन को टकराना है, 15 से 20% क्वेश्चन टकरा जाएगा आपके PSU में। राइट, जल्दी से बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बिल्कुल सही, 12 का आंसर है, ए औरंगाबाद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में के जनरल अवेयरनेस में कि इन विच यूनिट द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गैस लेयर इज मेजर्ड, मतलब ओजोन लेयर का थिकनेस किस में मेजर करते हैं? डॉब्सन यूनिट में, मेलसन यूनिट में, कैवरेट्स में, नॉन ऑफ दीज, जल्दी से बता दीजिए एवरीवन, किस में मेजर करते हैं? और शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा, वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, मैं इतना अच्छा कंटेंट बहुत मेहनत करके सारे क्वेश्चंस को निकाला हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए इसको,
राइट आंसर इज बी, डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए मेरे साथ। अभी नेक्स्ट 1 आवर बने रहिए, नेक्स्ट 1 आवर मेरे साथ बने रहिए, और मेरा अनअकैडमी का जो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लीजिए। 8:30 PM से आपका टेस्ट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, और शेयर जरूर कर दीजिए सबको। ओके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है ये, इन विच वाइल्ड बीस्ट रिजर्व द टाइगर टेल्ड मकाऊ, मकाऊ आपका मिलता है, तो टाइगर टेल्ड मकाऊ कहाँ मिलता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरिक। नोकरिक, नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरिक। जल्दी से बता दीजिए कहाँ मिलता है, जल्दी से एवरीवन, कहाँ मिलता है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइएगा एवरीवन, फास्ट टेल मी, जल्दी से कि ये टाइगर टेल्ड मकाऊ कहाँ पे मिलता है, किस रिजॉर्ट्स में मिलता है? राइट, जल्दी से बच्चों, द राइट आंसर इज देहांग दिबांग। नहीं, वरुण जी गलत आंसर, वरुण का आंसर सही है, वरुण आंसर बिल्कुल सही है, वरुण का आंसर बिल्कुल सही है। नीलगिरी इज द राइट आंसर, नीलगिरी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, नीलगिरी इज द राइट आंसर, नीलगिरी। राइट, तो ये आपका कहाँ पे बच्चों? तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। राइट, और दिहांग दिबांग कहाँ पे है? कोई एक लड़का, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे बच्चों? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है आपका अरुणाचल, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, याद कर लीजिए। नोकरेक कहाँ पे है? कोई एक लड़का बता दे नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक मेघालय, मेघालय में, याद रखिएगा, मेघालय में, मेघालय में आपका। राइट, उसको आप याद रखिएगा, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मैचिंग में आएगा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ पे है। राइट, नेक्स्ट बच्चों, अब ये देखिए दछीगम, एवरीवन बताइए दछीगम नेशनल पार्क कहाँ है? नेशनल पार्क हमेशा पूछता है, याद रखिएगा, नेशनल पार्क हमेशा पूछता है बच्चों, तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अश्विन जी, सब आदमी जल्दी जल्दी बता दीजिए अश्विन जी कि वेयर इज दछीगम नेशनल पार्क, और अगर आप मुझे शेयर कर दें, मैं इसके बाद आपको जस्ट थोड़ी देर बाद सारा बुक्स एंड ऑथर्स कराने वाला हूँ, जितना इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है जो PSUs में आता है सब आपको कराएंगे। इसका आंसर बता दीजिए 15 का, दछीगम नेशनल पार्क। एवरीवन, सब आदमी, एकॉन, दीप करदानी, वरुण कुमार, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड, द राइट आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए मुझे, नेक्स्ट बता दीजिए, ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड, कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था? ये 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949। फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन बता दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा आंसर। और लाइक बटन बच्चों दबा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या नहीं? लाइक करते जाइएगा, एवरीवन हिट द लाइक बटन, एवरीवन हिट द लाइक बटन, बिल्कुल सही अश्विन, अश्विन वेरी गुड, दीप करदानी वेरी गुड, राइट आंसर इज डी, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बताइए, नेक्स्ट बच्चों बताइए, द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि भाई अब अंग्रेजों से पावर भारतीयों को दे दिया जाए और इंडिया, इंडिया का बंटवारा कर दिया जाए, ये आपका प्लान किसके टाइम में आया था? कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, माउंट बेटन प्लान, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। आकाश वर्मा, लाइक करते जाइए, ठोको लाइक, लाइक ठोकते जाओ बच्चों, और शेयर करते जाओ, बहुत कम लर्नर्स हैं, हमें आज 50+ टच करना था बच्चों लाइव, 50+ लाइव लर्नर, तो थोड़ा शेयर कर दीजिए एवरीवन, शेयर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। दीप करदानी वेरी गुड, कौशल उपाध्याय डी, और कोई लड़का ए बता रहे, कैबिनेट मिशन, नहीं गलत है, कैबिनेट मिशन प्लान में बिल्कुल गलत है, लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के टाइम पे ये आया था, द राइट आंसर विल बी योर माउंटबेटन प्लान, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट बता दो आर्या,
हु वॉज द, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख लो, पीएसयू, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, पीएसयू का आया हुआ क्वेश्चन है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कटिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपाला स्वामी, राइट, के एम मुंशी, एन माधव राव एंड बी आर अंबेडकर। जल्दी से बी आर अंबेडकर, एवरीवन जल्दी से बता दो, सब लोग बता दो, माय डियर लर्नर, जल्दी से बता दो, एवरीवन प्लीज प्लीज बच्चों बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से माय डियर लर्नर बता दीजिए, एवरीवन प्लीज, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बताइए, अबॉलिशन, देखिए एक आर्टिकल का भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ये छुआछूत किस आर्टिकल में अबॉलिश किया गया है, छुआछूत, एवरीवन, के विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो भी लड़के, देखिएगा, जो भी लड़के मैनेजमेंट ट्रेनी HAL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए जल्दी से। ये आर्टिकल बच्चों याद रखिएगा, फेमस आर्टिकल है, फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 17, बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज आर्टिकल 17। सॉरी बच्चों, एक मिनट, वेरी सॉरी फॉर द, वेरी सॉरी एवरीवन, आ जाइए, सॉरी, द राइट आंसर इज आर्टिकल 17, द राइट आंसर इज आर्टिकल 17, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों के लिए अश्विन जी, दोनों के लिए, सॉरी, तो अश्विन जी डिजाइन और मैनेजमेंट ट्रेनी, देखिए जो भी मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिजाइन ट्रेनी HAL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस वो शेयर कर दीजिए और पूरा देख के जाइएगा एग्जाम देने, राइट राइट, दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है HAL के एग्जाम के लिए। चलिए, बोल रहे, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, कितने शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है, बिल्कुल सही, राइट आंसर इज योर, राइट आंसर इज योर, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, अल्टीमेट सोवरेन, कह रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरेन, अल्टीमेट सोवरेन कौन है? इंडियन पीपल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल इलेक्टेड लीडर्स ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरेन, जल्दी से, इंडियन पीपल, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जल्दी से बच्चों, राइट, लिख लीजिए, ये भी PYQs है आपका, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। 21, 21 का राइट आंसर क्या है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरेन, द राइट आंसर इज 21 का बच्चों, द इंडियन पीपल, इंडियन पीपल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आप पढ़ते होंगे ना प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग, राइट। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए कि ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाई, इट इज प्रोटेक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। तो जो हमारा संविधान है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और उसकी रक्षा कौन करता है, उसकी रक्षा कौन करता है, बाईस। शेयर करते जाइए बच्चों, शेयर करते जाइए एवरीवन, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत सारे, जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए, जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल 100 क्वेश्चन है आज, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा बच्चों, उसमें से बहुत क्वेश्चन टकराएगा। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज 22 का ए, ए इज द राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों, ये किसने बोला था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये किसने बोला था, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, सुक्रेट्स ने बोला था, प्लेटो ने बोला था, डांटे ने बोला था, अरिस्टोटल ने बोला था, अरिस्टोटल ने बोला था,
ये कौन बोल रहे हैं सर 22 का बी होगा? नहीं, बी गलत है, सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ही, जब भी कुछ ज्यादा गलत होने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, जल्दी से बता दीजिए कौन है। एवरीवन 23 का राइट आंसर किसने बोला है? सुक्रेट्स, प्लेटो, डांटे, एरिस्टोटल। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला था मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, राजनीतिक पशु है, राजनीतिक पशु, राइट बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाई रविंद्रनाथ टेगोर? रविंद्रनाथ टेगोर ने कौन सी किताब लिखी है? आनंद मठ, चिदंबरा, दुर्गेश नंदिनी, रक्त करावी। जल्दी से बच्चों कौन सी किताब लिखी है, जल्दी से, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से बताओ, जल्दी से माय डियर लर्नर आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से। आनंद मठ तो सबको याद होगा, मुझे नहीं लगता है शायद ही कोई होगा जिसको नहीं मालूम होगा। आनंद मठ याद रखिएगा, कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट, चटर्जी, ये आनंद मठ लिखे थे बंकिम चंद्र। इसे बोल रहा है कि रविन्द्रनाथ टेगोर ने कौन लिखा है। अच्छा अब ये बताइए चिदंबरा किसने लिखा है? ये सब याद रखिएगा, अगर निकालना है पीएसयू तब, पीएसयू निकालना है तो याद रखिएगा, नहीं तो निपट जाइएगा बच्चों, निपट जाइएगा, राइट। चिदंबरा, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, और आपसे ये कौन लिखा है? दुर्गेश नंदिनी। कोई एक लड़का मुझे बता दीजिए कि दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है किताब? दुर्गेश नंदिनी बुक रिटन बाई, तो दुर्गेश नंदिनी भी बच्चों जो किताब है वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही लिखा है, याद रखिएगा ये भी। तो आपका बच गया कौन? रक्त क्रांति, गीतांजलि, ये सब किताब किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो याद रखिएगा, बुक एंड ऑथर अभी थोड़ी देर में कराएंगे, आपको पूरा याद भी हो जाएगा, राइट। तो डेट इज द, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बताइए, हु सेड, हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? जल्दी से बच्चों बता दीजिए मुझे, और लाइक बटन हो कितना दबा दिए बच्चों, 38 लाइक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट 50 लाइक्स, एटलीस्ट 50 लाइक्स, आज एंड में 100 लाइक्स होना चाहिए, राइट। सर स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने बोला था? लॉर्ड ब्रायन, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। जल्दी से, जल्दी से एवरीवन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। 25 का आंसर, 25 का सी बता रहे शेक्सपियर, नहीं शेक्सपियर ने नहीं बोला था बच्चों, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन शेक्सपियर ने नहीं बोला था। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के। नेक्स्ट बच्चों यहां आ जाइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद ने इसमें से कौन सी किताब नहीं लिखी थी? गबन, गोदान, मानसरोवर और गाइड। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी थी, जल्दी से बच्चों, जल्दी से, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। 26, 26 का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक लड़का बता रहा है गबन, गबन किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। गोदान किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। मानसरोवर किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। पूस की रात किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। ईदगाह किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। गाइड किसने लिखा था? आर के नारायण ने, आर के नारायण, आर के नारायण ने लिखा था, राइट। के आर नारायण थे ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है सी, कह रहा है नॉट, कौन नहीं लिखा गया है, इसको आप याद रखिएगा, आर के नारायण जी ने लिखा था। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सब भी आपसे पूछता है एग्जाम में, पीएसयू में, कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? जल्दी से बच्चों बता दीजिए, बहुत सारी किताब है, मैं कितना बताऊंगा, और शेयर करते जाइए सेशंस को, शेयर करते जाइए लर्नर्स, कम से कम बच्चों 40 तो टच करना चाहिए था, 40+ लाइव लर्नर्स मस्ट बी देयर होना चाहिए था, राइट। चलिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एवरीवन, सर आसाम में स्थित है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है,
बिल्कुल सही आंसर है, आसाम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल सॉरी अरुणाचल मैंने कर दिया, काजीरंगा। और दिहांग दिबांग कहाँ पे है? दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग राइट, दिहांग दिबांग ये आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा पूछता है। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए, बंदीपुर क्या कह रहा है? बंदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। भट्टाचार्य सर जीए सिर्फ आपके सेशन से प्रिपेयर करके जाए, हो जाएगा बच्चों, डेली आपको अटेंड करना है। और अगर आप और करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 8 AM, मॉर्निंग में 8 AM अनएकेडमी स्पेशल क्लास पे मैं डेली करा रहा हूँ, उसको बस आप देख लीजिए आके, आपका हो जाएगा। और आप बस करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं 100 करंट अफेयर्स कराऊंगा जिसमें से कम 4-5 टकरा जाएगा, 100 करंट अफेयर्स मैं कराने वाला हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ टकरा जाएगा, मेरे साथ बने रहिएगा बस राइट, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? 28 का राइट आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका इज द राइट आंसर, सी बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सब PSU में आया हुआ है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जल्दी से एवरीवन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, एवरीवन जल्दी से बता दीजिए कहां पर है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। सर HPCL के लिए नहीं है ये, HAL के मैनेजमेंट ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी के लिए है, HAL के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा। HPCL में कल मैं कराऊंगा रीजनिंग और इंग्लिश, वो दोनों सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा कल शाम में 7 बजे इसी चैनल पे, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी दबा के एकदम। कहाँ पर है बच्चों? अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिल्कुल सही आंसर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाइए आप, यूरो कप, यूरो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? यूरो कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? जल्दी से बच्चों बता दीजिए, यूरो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, व्योम जी जल्दी से, कोई एक लड़का, यूरो कप इज रिलेटेड विद, एवरीवन जल्दी से कोई एक लड़का बता दे मुझे जल्दी से, 30 का आंसर, 30 का आंसर जल्दी से, जल्दी से, यूरो कप इज रिलेटेड टू, बिल्कुल सही, विश्वदीप, विश्वदीप बिल्कुल सही बता रहे हैं, विश्वदीप बिल्कुल सही, हरीश हर्षा बिल्कुल सही, एक और राइट आंसर इज फुटबॉल, राइट आंसर फुटबॉल। बच्चों अभी तक मैंने जो 30 क्वेश्चंस कराया क्या आपको मजा आया? एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए और लाइक दबा दीजिए कस के, मैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं जिसमें आपका 100% 2 क्वेश्चंस आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स मैं कराने जा रहा हूं आपको, बुक्स एंड ऑथर्स, इसको एकदम रट लीजिएगा, फिक्स है क्वेश्चन इस टॉपिक से राइट। तो एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए, लाइक दबा दीजिए कम से कम 50 लाइक, और अगला 30 क्वेश्चन आपके सामने रेडी है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, लाइक बटन दबा दीजिए बच्चों जल्दी से, एवरीवन 50 लाइक कर दीजिए, जल्दी से 50 लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, तो रेडी रेडी रेडी, और शेयर कीजिए कम से कम 40 लाइव लर्नर्स कर दीजिए, 40 लाइव लर्नर्स कर दीजिए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइक 50 कर दीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पे, आ जाइए आज ये जल्दी जल्दी आ जाइए माय डियर लर्नर्स, कम फास्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, हमारा जो PSU का आया हुआ क्वेश्चन है राइट बच्चों, जल्दी से आ जाइए, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं राइट। चलिए और शेयर कर दीजिए दबा के बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिए एवरीवन, प्लीज एवरीवन शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए कम से कम बच्चों 40 होने चाहिए लाइव लर्नर्स, कम से कम 40 लाइव लर्नर्स होने चाहिए, जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलो रेफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, हु इज द राइटर ऑफ बिकमिंग? बिकमिंग किताब किसने लिखी है? जंपा लेरी, सुधा मूर्ति और मिशेल ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर, कोई एक लड़का जल्दी से एवरीवन। बिकमिंग किताब किसने लिखी है? बिकमिंग किताब, बिकमिंग बिकमिंग, अगर रिवीजन हो रहा है तगड़ा, बिल्कुल बहुत तगड़ा रिवीजन करा देंगे पूरा अच्छे से। राइट आंसर इज बिकमिंग इज द मिशेल ओबामा, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी जो है उन्होंने लिखा है किताब, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री,
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दिस बुक इज रिटन बाय जॉन ग्रीन, जेके रॉलिंग, सुजमा कूलिंग, स्टीफन हॉकिंग्स। जल्दी से बता दो, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक किसने लिखा है? एवरीवन जल्दी से, दीप करदानी। सारे लड़के, 50 लाइक बच्चों हो गया, 50 लाइक्स अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम 50 लाइव लर्नर हमें अचीव करना है। जल्दी जल्दी शेयर करते जाओ, आंसर बताओ। टू का ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दिस बुक इज रिटन बाई, जल्दी से सारे लड़के लिखो, टू का आंसर लिखो, टू का आंसर, टू का आंसर, टू का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, टू का डी, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, द बुक रिटन बाई, द बुक द वॉर एंड द पीस, द वॉर एंड पीस, ये किताब किसने लिखी है, वॉर एंड पीस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वॉर एंड पीस बुक इज रिटन बाई लियो टॉल्स्टॉय, दलाई लामा, मारूफ रजा, एच जी वेल्स। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, द वॉर एंड पीस दैट बुक इज रिटन बाई। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, टकराएंगे एग्जाम्स में बच्चों, जल्दी से, जल्दी से। वॉर एंड पीस, बिल्कुल सही, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, वेरी गुड, वेरी गुड, लियो टॉल्स्टॉय इज द राइट आंसर। अमेजिंग बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट बच्चों, ये मुझे लगता है बहुत लड़कों का गलत होगा, ये मुझे लगता है कि गलत होगा बहुत लड़कों का, ये जो सही बता दिया मुझे मजा आ जाएगा। थॉट ऑफ पाकिस्तान, थॉट ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाई, ये बहुत लड़कों का गलत होता है और ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्योंकि लड़के गलत करते हैं। और ये बच्चों आस्क्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसमें गलत मत कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट। बताइए थॉट ऑफ पाकिस्तान ये किताब किसने लिखी है, ये बहुत बार पूछता है और बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत लड़के टिक मारते हैं, मोहम्मद अली जीना, ये गलत आंसर है, ये गलत है, ये नहीं होगा, मोहम्मद अली जीना इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज योर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। इसलिए लड़के कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा और एग्जाम में अगर दिख गया तो अयाज सर को याद कीजिएगा कि अयाज सर ने 5 दिन पहले 6 दिन पहले बताया था और इसको गलत नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। थोड़ा हार्ट शेयर कीजिए बच्चों, थोड़ा सा हार्ट, लाइक, लाइक हार्ट शेयर करते रहिए, मुझे एनर्जाइज करते रहिए, राइट। सारे 8 में सेशन होगी अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, HAL और HPCL के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी, डिजाइन ट्रेनी के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को टेस्ट होगा आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8:30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8:30 PM। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके आप स्पेशल क्लास पे टेस्ट दे सकते हैं। और इसके जस्ट बाद अभी आपको नेक्स्ट सेशन होगा, आपको पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर भी, राइट। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये बताइए ये किताब किसने लिखी है, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ इज रिटन बाई, द रूम ऑन द रूफ बुक इज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर मंगोलकर और आर के नारायण, के आर के नारायण, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से व्योम कुमार, जल्दी से। रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ इज रिटन बाय, रूम ऑन द रूफ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द, जल्दी से, रूम ऑन द रूफ, बिल्कुल सही। एकॉन, एकॉन बता रहे हैं, याद कर लीजिए सब आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए, ब्रूम एंड ग्रूम, ये याद रखिएगा, ये भी आया हुआ है एग्जाम में, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, मतलब आस्क्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड है, आस्क्ड क्वेश्चन है पीएसयू में। चलिए बता दीजिए जल्दी से कि ब्रूम एंड ग्रूम बुक किसने लिखा है, शशि थरूर, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से सारे लड़के, ब्रूम एंड ग्रूम बुक इज रिटन बाई, ब्रूम एंड ग्रूम बुक इज रिटन बाई, क्वेश्चन नंबर 6, एवरीवन 50 लाइक बच्चों, 100 लाइक्स करना है सेशंस पे, 100 लाइक्स करना है, जल्दी से, और याद करते जाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होता जाएगा, ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। किरण बेदी इज द राइट आंसर, किरण बेदी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बताइए मुझे कि हु इज द ऑथर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स के ऑथर कौन है, जल्दी से बता दीजिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स रस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण है, रुडियार्ड किपलिंग है, विक्रम सेठ है, जल्दी से। रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, रुडियार्ड किपलिंग, जल्दी से।
नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स लिखा है, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, एग्जाम वॉरियर्स, राइट? ये बताइए जल्दी से। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, देखिए जो बहुत सारा कॉमन है वो आप लोग को याद है, मैं वैसा करा रहा हूं जो रिपीटेड है, आया हुआ है और थोड़ा डिफिकल्ट है। आर के नारायण, बिल्कुल सही, आर के नारायण इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बताइए, नील दर्पण, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि नील दर्पण किताब किसने लिखा हुआ है, तो ये भी बच्चों PYQ में है, PYQ, ये भी PYQ है। बता दीजिए कि नील दर्पण किताब किसने लिखा है, नील दर्पण किताब, जल्दी से, नील दर्पण, अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर, मुमताज अली, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नील दर्पण किताब, जल्दी से बच्चों, सुई सूर्या, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, शेयर करते जाओ, लिंक को शेयर करते जाओ। 8 का बिल्कुल राइट आंसर है सी, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए मुझे, ये भी PSU में आया हुआ क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, और ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, अरेंज करना है आपको जल्दी से बच्चों, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण, जल्दी से आंसर बता दीजिए। दीन बंधु मित्र, बिल्कुल सही, जल्दी से बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है, भारत रत्न, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, भारत रत्न, भारत रत्न आपका सबसे पहले होता है, उसके बाद क्या मिलता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राइट? तो इधर तो बहुत दिन से किसी को भारत रत्न मिला नहीं है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये लोग को मिला हुआ है, राइट? अभी रिसेंटली किसी को नहीं मिला है तो उससे क्वेश्चन आएगा नहीं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये हमारा सिविलियन अवार्ड है, ये आम नागरिक को मिलता है, राइट, सिविलियन के लिए। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, ये भी बच्चों याद रखिएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वाइट टाइगर किताब किसने लिखा है और बहुत ही फेमस है, राइट? आर के नारायण, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, शशि थरूर, कल भी कराएंगे बुक्स एंड ऑथर, शशि थरूर की कुछ किताब है आगे आपको मिलेगी, APJ अब्दुल कलाम की कुछ किताब है आगे मिलेगी आपको, सौरव गांगुली ने कौन किताब लिखा है, सचिन तेंदुलकर ने कौन किताब लिखा है, राइट? VVS लक्ष्मण की कौन सी किताब थी, तो ये सब भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, राइट? वो सब मैं आगे आपको मिलेगा थोड़ी देर में, मेरे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए, कामयाब हो जाइएगा, बस राइट डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, कामयाब हो जाइएगा। अरविंद अडिगा, बिल्कुल सही आंसर है, अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर किताब किसने लिखा है, अरविंद अडिगा ने, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए बता दीजिए, रिवॉल्यूशन 2020, हु इज द राइटर ऑफ रिवॉल्यूशन 2020, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, विक्रम सेठ, जल्दी से बता दो, हु इज द राइटर ऑफ रिवॉल्यूशन 2020, एवरी वन फास्ट टेल मी, हु इज द राइटर ऑफ रिवॉल्यूशन 2020, जल्दी से बच्चों बताते जाइएगा मुझे, मेहनत करना है, मेहनत मेहनत करना है ईमानदारी से, 12 12 घंटा, 14 14 घंटा पढ़िए अभी अभी बच्चों, लास्ट के टाइम में पढ़ाई बहुत तगड़ा होता है, मैं भी पढ़ता था शुरू में, 3 घंटा 4 घंटा पढ़े कोई बात नहीं, अभी जान लगा दीजिए एकदम। राइट आंसर इज चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड, राइट, बहुत सारी किताब है इनकी, राइट, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बहुत सारी है, चेतन भगत, राइट। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, माई लाइफ माई मिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये मुझे लग रहा है बहुत लड़के गलत करने वाले हैं इसमें, बहुत सारे लड़के गलत करने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, माई लाइफ माई मिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जल्दी से कौन है माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव, गुरु राम रहीम, रतन टाटा, महात्मा गांधी, माई लाइफ माई मिशन, सर इंडस्ट्रियल का रिवीजन हो सकता है, अजीत सिंह जी होगा, इसी चैनल पे होगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हमारा 2021 क्वेश्चन सीरीज है, 2021 क्वेश्चन सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं टोटल। राइट आंसर इज बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा जी,
कोई विश्वास ही नहीं कर बाबा जी किताब लिखे। हाँ बाबा जी किताब लिखे हैं, माई लाइफ माई मिशन, पतंजलि, पतंजलि राइट, पतंजलि, पतंजलि राइट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बता दीजिए, हु रोट द बुक एन इंक्वायरी टू द नेचर, एन इंक्वायरी टू द नेचर, ये किताब किसने लिखा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ल्स डार्विन, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज। गीतांजलि, गीतांजलि जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। राष्ट्रगान भी जनगण मना इन्होंने ही लिखा। बांग्लादेश का जन राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है राइट। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो एन इंक्वायरी टू द नेचर ये किताब किसने लिखा बच्चों? जल्दी से हर्षा, एन इंक्वायरी टू द नेचर जल्दी से बता दीजिए कोई एक लड़का। बिल्कुल सही, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द राइट आंसर, एडम स्मिथ याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए, ब्लैक ब्यूटी ये किताब किसने लिखा? ब्लैक ब्यूटी किताब किसने लिखा? जल्दी से बताइए, ब्लैक ब्यूटी किताब जल्दी से बच्चों, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी किताब किसने लिखा माय डियर लर्नर्स? ब्लैक ब्यूटी बुक इज रिटन बाई, ये शायद आपको नहीं याद होगा, अन्ना, अन्ना स्वेल, अन्ना स्वेल, अन्ना स्वेल ने लिखा राइट, ब्लैक ब्यूटी। ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, टाइमलेस लक्ष्मा, टाइमलेस लक्ष्मा, टाइमलेस, टाइमलेस लक्ष्मा ये किताब किसने लिखी है? द बुक टाइमलेस लक्ष्मा इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? ओपी लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण राइट। जल्दी से वीवीएस लक्ष्मण, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बता दीजिएगा। शेयर कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, शेयर करते जाइए। बिल्कुल सही, वीवीएस लक्ष्मण गलत आंसर है। जो जो लड़के बता रहे हैं गलत आंसर है, इसका राइट आंसर है आर के नारायण। वीवीएस लक्ष्मण ने क्या किताब लिखा? 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड याद रखिएगा, 281 एंड बियॉन्ड। चलिए यहीं पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये बता दीजिएगा कि सचिन तेंदुलकर ने कौन सी किताब लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने कौन सी किताब लिखी है कमेंट बॉक्स में? जल्दी से कोई लड़का, सचिन तेंदुलकर ने कौन सी किताब लिखी है राइट? सचिन तेंदुलकर ने कौन सी किताब लिखी, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से बच्चों बता दीजिए, सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ये सब पूछता है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे राइट, ये कौन लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर जी राइट। अच्छा और आप बता दीजिए, गांगुली, सौरभ गांगुली ने कौन किताब लिखी है? सौरभ गांगुली ने कौन किताब लिखी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दीप करदानी जी राइट आंसर है आपका। आप नहीं, नहीं, टाइमलेस लक्ष्मा, टाइमलेस लक्ष्मा, सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर है, सॉरी सॉरी बच्चों, टाइमलेस लक्ष्मा का राइट आंसर था आर के लक्ष्मण, मैंने उल्टा टिक कर दिया। इसका राइट आंसर है आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण राइट, वीवीएस लक्ष्मण नहीं है, सॉरी। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। सौरभ गांगुली बताइए, सौरभ गांगुली के कौन किताब लिखी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सौरभ गांगुली बुक जल्दी से राइट। सौरभ गांगुली के बुक का नाम बता दीजिए जल्दी से। ए सेंचुरी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सब आएगा बच्चों, आएगा तो मजा आ जाएगा राइट। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ राइट, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो ये आपके हो गए सचिन दा, ये हो गया सचिन और ये हो गया सौरभ, सचिन और सौरभ। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए, एक और किताब बहुत फेमस है आपका, इसका युवराज सिंह, युवराज सिंह का किताब भी थोड़ा एग्जाम में आता है, ये बता दीजिए बच्चों, युवराज सिंह बुक जल्दी से, युवराज सिंह ने कौन सी किताब लिखी है जल्दी से, युवराज सिंह के द्वारा, जल्दी से बच्चों, युवराज सिंह के द्वारा राइट, युवराज सिंह के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो युवराज सिंह ने किताब लिखी है बच्चों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ राइट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिकेट टू कैंसर, क्रिकेट टू कैंसर। तो इन चीजों को आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपका टकराएगा कुछ ना कुछ, ये याद रखिएगा। युवराज राइट, युवराज सिंह,
तो ये हो गया आपका वीवीएस लक्ष्मण, ये हो गया सचिन तेंदुलकर, ये हो गया सौरभ गांगुली, ये हो गया युवराज सिंह। सबको देख लीजिएगा, एग्जाम में आता था, आता है और आता रहेगा। जो लड़का हीरो बनेगा कि नहीं आता था, नहीं आता है, नहीं आता रहेगा, तो उसका सिलेक्शन पहले भी नहीं होता था उस तरह के लड़के का सिलेक्शन, आज भी नहीं होता है उस तरह के लड़के का सिलेक्शन, और कभी नहीं होगा उस तरह के लड़के का सिलेक्शन। मेहनत करना है और पूरे सिलेबस को कवर करके अच्छे से जाना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट बच्चों, ये तो 2018 का था, रहने दीजिए इसको। लेकिन फिर भी अभी एक्चुअली 2020 में कोरोना हो गया था, इस वजह से ये अवार्ड मिला नहीं। तो आप याद रखिएगा, गोल्डन बुक प्राइज, गोल्डन मैन बुक प्राइज 2018 में किसको मिला था, किस किताब को? राइट, 5.1 को मिला था, सेक्रेड हंगर्स को मिला था, द इंग्लिश पेशेंट को मिला था, मून टाइगर को मिला था। एक लड़का बोल रहा है सर राहुल द्रविड़ की भी किताब को लिख दीजिए। अच्छा बाबू, राहुल द्रविड़ की भी किताब लिख देते हैं। ये बता दो, ये किसको मिला था? कोई एक लड़का, कोई एक लड़का बता दो। राइट, जल्दी से। बिल्कुल सही, द इंग्लिश पेशेंट, इंग्लिश पेशेंट इज द राइट आंसर, इंग्लिश पेशेंट। अच्छा एक लड़का बोल रहा है राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ के बुक का नाम क्या है? राहुल द्रविड़ ने कौन सी किताब लिखी है? टाइमलेस स्टील, टाइमलेस स्टील, टाइमलेस स्टील। राइट, राहुल द्रविड़, याद रखिएगा राहुल। राइट, इसको ध्यान में रखिएगा, टाइमलेस स्टील। राइट, बायोग्राफी है अबाउट द राहुल द्रविड़, टाइमलेस स्टील। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये बता दीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया? आ जाइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया? जल्दी से, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आइडिया ऑफ इंडिया? एवरीवन, मैंने बताया था इंडिया, मैंने कैसे याद कराया था किसी लड़के को, आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया का क्रिकेटर कौन था? सुनील गवास्कर। सुनील गवास्कर क्या थे? क्रिकेट खेलते थे इंडिया के लिए। तो इसको याद रखने का तरीका बताया था, द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी, सुनील खिलनानी। राइट, आइडिया ऑफ इंडिया, ये सब आता है बच्चों, इंडिया से रिलेटेड है ना, तो इंडिया से रिलेटेड जो है ये सब किताब के बारे में पूछा जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के लिखी हुई किताब सबको याद है, चेतन भगत कुछ किताब लिखा है सबको याद है, लेकिन कुछ अलग है जो आपको सिलेक्शन एकदम कंफर्म करवा देगा, जैसे आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत कोई याद नहीं रहेगा। राइट, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। ओके नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, देखिए कल्हानास बुक, जल्दी से बताइए तो क्या है, ये तो मालूम होगा सबको, व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हानास बुक? राइट, जल्दी से, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और रजतराजिनी। जल्दी से, रजतराजिनी, कल्हानास बुक। कल्हानास संस्कृत वर्ड है बच्चों, संस्कृत। जल्दी से, कल्हानास बुक में कौन आएगा बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए, टेल मी। पुराण, इंडिका, अर्थशास्त्र, रजतरागिनी, रजतरागिनी, जल्दी से। द राइट आंसर इज दीप करदानी जी बोल रहे, 18 का डी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट आंसर है, एब्सोल्युटली राइट आंसर है, रजतरागिनी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बताइए, पंचतंत्र, ये किताब किसने लिखा है? पंचतंत्र, थोड़ा सा कालिदास बुक, रिटेन बाई कालिदास भी हमें देख लेना है कि ये सब भी थोड़ा बहुत आता रहता है। राइट, इसका आंसर तो पहले आप बता दीजिए जल्दी से कि ये पंचतंत्र किसने लिखा है, सब आदमी बता दीजिए, और बुक रिटेन बाई कालिदास ये ध्यान में रखिएगा। राइट, जल्दी से आंसर बताइए, पंचतंत्र, जल्दी से बच्चों। एवरीवन जल्दी से, चाणक्य, नहीं, गलत है, 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 गलत है। पंचतंत्र कौन लिखा है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। थोड़ा सा बच्चों मैं यहाँ पे टाइम लूंगा आपको, कालिदास का लिखा हुआ किताब याद रहना चाहिए, दो तीन किताब बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत बहुत बार आता है, ये सब याद कर लीजिएगा, मेघदूत। राइट, रघु, रघुवंश, रघुवंश, शकुंतला, शकुंतला,
राइट, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, मेघदूत, शकुंतला, राइट। तो ये कुछ किताबें हैं जिसको आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, और भी बहुत सारे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी याद होगा, अभिज्ञान शकुंतलम याद है सबको, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान, अभिज्ञानम शकुंतलम, राइट, शकुंतला, शकुंतलम, राइट। ये सब आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, राइट, शकुंतलम, शकुंतला, अभिज्ञानम, शकुंतलम, ये सब आता रहता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए, कह रहा है द ऑथर ऑफ द बुक, द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, ये शायद बहुत लोग को याद नहीं होगा, तो इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको आप नॉलेज में रखिएगा, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पैनी, थॉमस पैनी, राइट, थॉमस पैनी द राइट्स ऑफ मैन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, द गाइड, ये मैं नहीं बताऊंगा, हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड। अभी लास्ट में मैं आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई किताब और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई किताब, उसका चार्ट दे दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही। जल्दी से बता दीजिए, द गाइड किताब किसने लिखी है, द गाइड किताब किसने लिखी है, राइट, गाइड, गाइड किताब किसने लिखी है, मैंने बताया भी था शुरू में आया था, गाइड किताब किसने लिखी है, कोई एक लड़का कमेंट बॉक्स में बता दे। द गाइड बुक, द फेमस नॉवेल द गाइड इज रिटन बाय, विश्वजीत संकल्प बता रहे हैं सर सी, अरे मजा आ रहा है सबको, एंजॉय कर रहे हो, पूरा याद हो रहा है या नहीं, रिवीजन हो रहा है कि नहीं बच्चों, एवरीवन टेल मी, मजा आ रहा है दिल से बताइए। ओनली 49 लाइक्स बच्चों, वेरी बैड, कम से कम इतना मेहनत करता हूँ, कर रहा हूँ बच्चों, इतना क्वेश्चन टाइप करके, कम से कम बच्चों 75 लाइक्स होना चाहिए, 75 लाइक्स होना चाहिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा हार्ट शेयर कीजिए, आपको कितनी चीजें याद हो गई, बहुत सारी चीजें मैंने याद करा दी, लाइक बटन दबाइए सब आदमी, एवरीवन हिट द लाइक बटन, एवरीवन हिट द लाइक बटन बच्चों, आर के नारायण इज द राइट आंसर आई नो, एक बार एवरीवन लाइक, सब आदमी लाइक प्रेस कर दीजिए, लाइक प्रेस कर दो माय आर्मी, लाइक प्रेस कर दो, और बच्चों थोड़ा सा शेयर कर दो, और मजा आ रहा है तो एक बार हार्ट शेयर कर दो, एक बार इंटरेस्टिंग इमोजीज थोड़ा शेयर कर दो कि सर बहुत मजा आ रहा है, वी आर रियली इंजॉइंग, वेरी गुड, कीप इट अप, राइट, एवरीवन, 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 अभी तक 50 भी लाइक नहीं हुआ है बच्चों, अभी तक 50 लाइक्स भी नहीं हुआ है गाइस, तो हिट द लाइक बटन, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बता दीजिए, एवरी वोट काउंट्स, ये भी बच्चों पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, एवरी वोट काउंट्स, ये किताब किसने लिखी है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन, निर्मल जी कह रहे हैं सर विल यू कवर ऑल दी जीए पार्ट प्लीज टेल द टाइमिंग, डेली होगी शाम में 7 PM पर होगी, शाम में 7 PM पे, और अनएकेडमी स्पेशल क्लास पे, स्पेशल क्लास पे होती है 8 AM इन द मॉर्निंग, 8 AM इन द मॉर्निंग, तो मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए, राइट। जल्दी से बच्चों, 1 मिनट, ओके, जल्दी से बच्चों, वेरी गुड, नवीन चावला, नवीन चावला भाई, बिल्कुल सही आंसर है, नवीन चावला, याद हो गया, एवरी वोट काउंट्स, नवीन चावला। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बता दीजिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, द एक्सपो स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, व्हाट इज द राइट आंसर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एवरी वन टेल मी, एवरी वन टेल मी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टेगोर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जल्दी से बता दीजिए। आकाश वर्मा जी, बिल्कुल सही, गांधी जी, गांधी जी, अहमद जमाल, वेरी गुड अहमद, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर इज, और कोई, और कोई, दो तीन लड़का बता रहा है, सब बताइए, सोमैया, सौम्या, सौम्या, सॉरी, सौम्या, राइट आंसर, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, नेक्स्ट बता दीजिए, अभी जस्ट बताए हैं और ये गलत नहीं होना चाहिए, रिविजन के लिए दोबारा डाल दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, आइडिया ऑफ इंडिया, एवरी वन जल्दी से बता दो,
जल्दी से बता दो, आइडिया ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? आइडिया ऑफ इंडिया, एवरीवन, आइडिया ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय, आइडिया ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय। सर कप और गेम भी करा दीजिए, कल करा देंगे, कप एंड गेम, कप एंड गेम करा देंगे कल, कि कौन सा गेम किससे रिलेटेड है, या अनएकेडमी स्पेशल क्लास पे करा देंगे। आप मुझे फॉलो कर लें अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे, आपको शेड्यूल मिल जाएगा सुबह में 8 AM पर, सब लोग आइएगा मॉर्निंग में 8 AM, कप एंड जितना है कि कौन सा गेम किससे रिलेटेड है करा देंगे। राइट आंसर इज सुनील खिलनानी, सुनील खिलनानी इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड सुनील खिलनानी। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, पाकिस्तान पैराडॉक्स, इनस्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस, राइट, पाकिस्तान पैराडॉक्स, इनस्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस, ये किताब, ये थोड़ा सा टफ है, राइट, थोड़ा सा टफ है, तो मैं इसको आंसर बता दे रहा हूँ, कैरिस्टोफ जेफर जेफरेलोट, राइट, ये ऐसा ये आएगा नहीं, ये बीच में एक डाल दिया है, लेकिन मे भी आ जाए, क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं, पाकिस्तान पैराडॉक्स देखेंगे तो इमरान खान मार देंगे या ये कुछ मार देंगे, ठीक, राइट, तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। देखिए अगर नहीं मालूम है और निगेटिव मार्किंग है तो हीरो मत बनिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, राइट। व्योम जी, सुनील गवास्कर, सुनील खिलनानी, बिल्कुल बिल्कुल, तरीका आपको याद है, वेरी गुड अमेजिंग, तो ये आप ये याद रखिएगा, पाकिस्तान पैराडॉक्स। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, टारगेट 3 बिलियन, द बुक टारगेट 3 बिलियन इज रिटन बाई एवरी वन, द बुक टारगेट 3 बिलियन इज रिटन, शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, APJ अब्दुल कलाम, जल्दी से जल्दी से, टारगेट 3 बिलियन माई डियर एवरी वन, जल्दी से, टारगेट 3 बिलियन बुक इज रिटन बाई एवरी वन, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26। 1 बिलियन में कितना जीरो होता है? 10 का पावर 6। नहीं, 1 मिलियन में 10 का पावर 6, 1 बिलियन में 10 का पावर 9, 1 ट्रिलियन में 10 का पावर 12, याद होगा सबको, बिलियन ट्रिलियन मिलियन, वेरी गुड, राइट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम, पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते थे इनको, क्या बोलते थे? पीपल्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बच्चों आ जाइए, द ऑथर ऑफ द बुक जेस्ट ऑफ लाइफ, जेस्ट ऑफ लाइफ, ऑथर ऑफ द बुक जेस्ट ऑफ लाइफ किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, जल्दी से, ऑथर ऑफ द बुक जेस्ट ऑफ लाइफ, मार्क ट्वाइन, इमाइल जोला, राइट, वर्जीनिया वुल्फ, एजी वॉल्स, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका राइट आंसर है इमाइल जोला, क्या राइट आंसर है? इमाइल जोला, याद कर लीजिएगा जिस्ट ऑफ लाइफ कभी आ गया तो। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, ये बड़ी अच्छी, ये आपको मालूम होना चाहिए, 28 का APJ अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक, जल्दी से, फोर फायर्स और द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, नन ऑफ दीज, द एल्जिब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, द एल्जिब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, बता दीजिए APJ अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट, इसमें से टकराना बच्चों तय है। हाँ निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है निगेटिव मार्किंग, विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। बच्चों रात तक इस पे 100 लाइक्स आएगा या नहीं आएगा? लाइक बटन दबा रहे हैं, 100 लाइक्स, 100 लाइक्स आना चाहिए, 100 लाइक्स। 8:30 बजे मैकेनिकल की टेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल 8:30 बजे। नेक्स्ट बच्चों, डोंट लाफ वी आर पुलिस, डोंट लाफ वी आर पुलिस, द बुक वॉज कंपाइल्ड बाई KPS गिल DGP, भीषण लाल बोरा IGP, नन ऑफ दी, शांति स्वरूप IG पुलिस, डोंट लाव वी आर पुलिस, ये किताब किसने लिखा है? जल्दी से, कल मैं अनएकेडमी स्पेशल क्लास पे सुबह 8 बजे करवाने वाला हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स से जो जनरल अवेयरनेस है, तो जो भी लड़के आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल दिया हुआ है, उस पे मुझे फॉलो कर ले अभी के अभी, जैसे ही फॉलो करेंगे सुबह 8 बजे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। राइट आंसर इज भीषण लाल बोरा IGP, भीषण लाल बोरा IGP। नेक्स्ट बच्चों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अभी थोड़ा देर कराया है, राइट, अहमद जमाल जी कह रहे हैं सर निगेटिव मार्किंग नहीं है सर, ना HPCL में नहीं, एडमिट कार्ड चेक कीजिए, एडमिट कार्ड में अगर लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग है, मतलब निगेटिव मार्किंग है, अगर एडमिट कार्ड में नहीं लिखा हुआ है तो मतलब नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अभी जस्ट कराए हैं, सबको मालूम होगा, दैट इज द राइट आंसर इज स्टीफन हॉकिंग, सबको याद हो गया होगा,
स्टीफन हॉकिंग, दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, तो अमेजिंग सेशन रहा हमारा, दैट वॉज द वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेशन, राइट बच्चों? तो आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा। दिल से बताइए सनी जी, सनी जी दिल से बताइए मजा आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं बताया, सब आदमी बताइए, सब आदमी बताइए, सब आदमी बताइए जल्दी से, सब आदमी बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, सब आदमी बता दीजिए, एवरीवन। सब आदमी बता दीजिए जल्दी से। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे बिल्कुल, अभी आपका नेक्स्ट सेशन होगा यहीं पे 8:30 से बच्चों, तो आप इसमें रहिएगा, बने रहिएगा। तो चलिए मैं अब सेशंस को एंड करूंगा। जिस भी लड़के को, आई होप मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छा रहे, आपका रिवीजन हो जाए। और जिन भी लड़के को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको बच्चों मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा लीड गेट टेलीग्राम चैनल पे, लीड गेट पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट? ओके, तो बहुत बढ़िया, मेरे साथ बने रहिए। और कल फिर इसी टाइम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा बच्चों। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं बच्चों, दैट इज द फीचर्स ऑफ अन अकेडमी स्पेशल क्लास। अभी आफ्टर 9 मिनट्स जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका एक लाइव मॉक टेस्ट होगा HAL HPCL एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे का टेस्ट है, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें आएगा। तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आ जाइए एट 8:30 लाइव, 8:30 में, ओके? तो प्लीज एवरीवन कम टू द अन अकेडमी लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 8:30 बजे मैं आपसे मिलूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस के साथ। वहां पे आप जैसे ही मुझे फॉलो करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अयाज सर लाइव होने वाले हैं, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका लेक्चर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे सेशन में। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसको देख कर जाना है एग्जाम के 1 दिन पहले, क्वेश्चन इसमें से आता था, आता है, आता रहेगा 100% बच्चों। कम से कम भी मिनिमम तो 5 क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे मैंने शुरू में भी करवाया है बहुत सारा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कुछ आपको बुक्स एंड ऑथर, मतलब 3-4 क्वेश्चन, मैं तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा सब टकरा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गिन के आपका 15-16 क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस से। तो आपका, आपको क्या करना है, थोड़ा करंट अफेयर्स में ऐड कर दूंगा, करंट अफेयर्स का ज्यादा आएगा, तो करंट अफेयर्स का मैं एक दिन सीरीज कराऊंगा, 100 करंट अफेयर्स, उसमें से टकराना ही है 10 क्वेश्चन। तो इसको देख लीजिएगा, आंसर्स याद कर लीजिएगा और एग्जाम देने जाइएगा। तो निर्मल जी कह रहे हैं प्लीज कंडक्ट लॉन्ग सेशंस, प्लीज कंडक्ट लॉन्ग सेशंस, श्योर आई विल कंडक्ट फ्रॉम टुमारो फ्रॉम 6:30 6:30 से मैं स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि रात तक 12 बजे तक इस सेशंस पे कम से कम 100 लाइक्स बच्चों हो जाने चाहिए, 100 लाइक्स। तो आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। चलिए मिलते हैं अन अकेडमी स्पेशल क्लास पे। और अभी इसके बाद हमारे सर लेंगे, अंकुर सर सेशंस, तो ये सर लेंगे सेशंस, तो वीरेश सर, तो वीरेश सर के साथ आप लोग बने रहिएगा, वीरेश सर आपके सेशंस को लेने जा रहे हैं। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो वीरेश सर के साथ जुड़ सकते हैं। तो लेट्स क्रैक गेट एन ईएसी, सब्सक्राइब द लीड गेट टेलीग्राम एंड लीड गेट यूट्यूब चैनल्स एंड यूज अयाज 10 कोड फॉर अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस and get my mentorship right by using that code. Love you bachcho, bye everyone, see you. Kal phir milenge naye topics ke sath, reasoning ka practice aapko karayenge kal, english ka practice karayenge, aur general awareness pe aur sessions karne ke liye special class pe aaiye. Description mein link ka, chat box mein link diya hua hai, click karke jaldi se follow kar lijiye, click karke jaldi se follow kar lijiye. Sab log mujhe